लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को एक दिन के प्रवास पर मध्य प्रदेश के भागोदय तीर्थ सागर पहुंचे, जहां मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज के 42वें दीक्षा दिवस के अवसर पर शामिल होकर मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के भोपाल पहुंचने पर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्टेट हैंगर पर जोरदार स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष के साथ मंत्री राजपूत भी भागोदय तीर्थ पहुंचे, जहां मुनि सुधा सागर का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशीर्वाद प्राप्त किया। भागोदय तीर्थ में आयोजित 42वें मुनि श्री के दीक्षा दिवस के अवसर पर आयोजन समिति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी परंपरा और वैभव के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा सागर में खाद्य मंत्री राजपूत के निवास में देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भागोदय तीर्थ में आयोजित दीक्षा दिवस समारोह में शामिल होने के पश्चात खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निवास पर पहुंचे। इस अवसर पर खाद्य मंत्री राजपूत ने बुंदेली परंपराओं से लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। अतिथि देवो भव परंपरा अनुसार मंत्री राजपूत ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत सत्कार किया एवं लोकसभा अध्यक्ष को शॉल श्रीफल देकर पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष को इस दौरान बुंदेली व्यंजन परोसे गए। लोकसभा अध्यक्ष को बुंदेली परंपरा का यह स्वागत अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने बुंदेलखंड की शान को देश का पर्याय बताया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, सांसद लता वानखेड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत मौजूद थे।